अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी टिंडे और कीमा। हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे और बीफ का कीमा है ये हाफ के जी, इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, फ्राई करेंगे ऑयल में, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, हल्दी और पिसा धनिया और कुटी लाल मिर्चें, ये सारी शामिल करके 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे, इसकी जगह पेस्ट भी शामिल किया जा सकता है। इसको 1 मिनट तक कुक करना है। फिर उसके बाद प्याज शामिल कर देंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर 2 मीडियम साइज़ के शामिल कर देंगे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और 1 कप पानी शामिल कर देंगे। और 1 कप पानी शामिल करने के बाद जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1/2 कप दही शामिल कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक कुक करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें टिंडे शामिल कर देंगे, टिंडे भी 1/2 के जी हैं, इनको मैंने पील ऑफ करके और इस तरह के पीसेस में कट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने हसबे ज़रूरत जितनी हम जिस तरह का भी हमने बनाना है, शोरबे वाला या इतना, उस हिसाब से पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। मैं नॉर्मल सा ग्रेवीदार बना रही हूँ तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए या टिंडे गलने तक रख देंगे। उसके बाद गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मज़ेदार सा ये हमारा टिंडे कीमे का सालन तैयार है।